नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल संघ किया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा हरियाणा, पीएसए का 90% कार्य शुरू। हरियाणा सरकार विद्यार्थियों को देगी गीता ज्ञान, 6ठी से 12वीं कक्षा के लिए तैयार होगा पाठ्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज सुबह गुरुग्राम जिले के गांव लोहटकी पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय सांख्यिकी राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और सोहना के विधायक संजय सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि देश का सबसे लंबे 8 लाइन का यह एक्सप्रेसवे गुरुग्राम जिले के 11 गांवों, पलवल के 7 गांवों और मेवात जिले के 47 गांवों में से होकर गुजरेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की हरियाणा में कुल लंबाई 160 किलोमीटर होगी और इस पर करोड़ों रुपए की लागत आएगी। हरियाणा में एक्सप्रेसवे की शुरुआत गुरुग्राम अलवर रोड स्थित NH 248 से होगी और मार्च 2022 तक एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को पूरा करने की योजना है। इस एक्सप्रेसवे से हरियाणा की कनेक्टिविटी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र आदि राज्यों में पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। आज ये बहुत ही एक प्रसन्नता का प्रसंग है कि देश भर में सड़कों का जाल बिछाने वाले जो एक ऐसे यशस्वी हमारे अंथक मेहनती हमारे केंद्रीय मंत्री जिन्होंने सड़क मार्गों का जाल बिछा दिया और आज भी उनकी ओर से हमेशा यही हमसे पूछा जाता है कि बताइए और कौन सी सड़क बनानी है। हम बताते नहीं हैं बल्कि उनकी ओर से ही आ जाता है कि आपके यहाँ से ये सड़क और अच्छी रहेगी, इसको भी बनवा लीजिए। कभी इन्होंने उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके कारण से कहीं कोई कठिनाई आती हो, ना धन की कठिनाई आती है, ना योजना की कठिनाई आती है। अभी पिछले दिनों में हमने कहा कि दिल्ली से एक अमृतसर सीधी रोड और बाद में अमृतसर से वो जम्मू तक जाएगी एक स्पेशल एक्सप्रेसवे, तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री को हमको बुलाया कि उसका अलाइनमेंट बताइए और तुरंत फाइनल कर दी। इसी प्रकार हमने कहा कि हमारी कोई ईस्ट से वेस्ट हरियाणा के बीचों बीच एक मार्ग हमको चाहिए जो पानीपत से शुरू होकर के और डबवाली तक जाए। इन्होंने उसी समय उसका फिजिबिलिटी उसके देखवाई और तुरंत उसको मान लिया। जब भी कोई मार्ग हमने कहा है उसी समय आपने मान लिया है। अभी कितने ही हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितने ही आगे परसीविंग स्टेज में है। मैं समझता हूं कि हरियाणा दिल्ली के क्योंकि निकट होने के कारण से जो सुविधा हमको लोकेशनल एडवांटेज है, हमारी आर्थिक स्थिति इन सड़कों के बनने से, चाहे उद्योग फलेगा फूलेगा, सर्विसेज और आएंगी, लोगों को सुविधाजनक जीवन जीने का एक अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। ये सब आपके इन निर्णयों के द्वारा ही संभव हो रहा है। ऑक्सीजन की उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित ऑक्सीजन संयंत्र प्रेशर स्विंग एडसोर पर्सन का 90% कार्य चालू कर दिया है। हरियाणा ऑक्सीजन के मामले में अग्रणी है और आवंटित 40 में से 36 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को चालू किया जा चुका है, जो लगभग 90% है और इसे ग्रीन जोन में सूचीबद्ध किया गया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा सीएससी स्तर पर भी ऐसे पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कोविड महामारी के कारण स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन की उपलब्धता एक आवश्यकता बन गई है। केंद्र द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार सीएससी स्तर पर पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे और शेष को पूरा किया जाएगा। यह प्रशंसनीय है कि राज्य ने 9 महीने की अवधि के भीतर ही 36 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए हैं। हालांकि जनवरी के महीने में राज्य में ऐसा कोई संयंत्र नहीं था, जबकि वर्तमान में प्रत्येक सिविल अस्पताल में एक ऐसा संयंत्र है। केंद्र ने देश को रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा है, जो पीएसए प्लांट की स्थापना की प्रगति के सीधे अनुपातिक है।
हरियाणा में अब 1 अक्टूबर से पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं के भी स्कूल खुलेंगे। प्रदेश में 1 सितंबर से चौथी और पांचवी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले जा चुके हैं। इससे पहले 23 जुलाई से छठी से आठवीं तथा 17 जुलाई से नौवीं और बारहवीं के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए थे। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी महाविद्यालयों के प्राचार्यों, विद्यालयों के रजिस्ट्रारों, एनसीसी यूनिट्स के कमांडिंग ऑफिसरों और जिला उपमंडल पुस्तकालयों के पुस्तकालय अध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की जांच के दौरान ब्यूरो द्वारा मांगे जाने वाले रिकॉर्ड को देने में सहयोग करें, ताकि जांच का कार्य निर्धारित अवधि में पूरा किया जा सके। राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए उक्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि जांच से संबंधित रिकॉर्ड या सूचना तुरंत उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने बताया कि उक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालन करते हैं के निर्देश दिए गए हैं और इसी के कारण अब हरियाणा में 1 अक्टूबर से पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं के स्कूल खुलने के आसार नजर आ रहे हैं। हरियाणा में भाजपा सरकार स्कूली बच्चों को गीता का ज्ञान देगी। सरकार ने इस विषय में तैयारी पूरी कर ली है और जल्द ही मसौदा बनाकर शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमिच ने इस संदर्भ में कमेटी का गठन किया है और यह कमेटी अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंपेगी और उसके बाद आगामी सत्र से गीता का पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाने की तैयारी है। हरियाणा में लागू करने के बाद इसे पूरे देश में लागू करने के लिए केंद्र के पास भी भेजा जाएगा। और हरियाणा का इतिहास महाभारत और गीता से जुड़ा है। कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिषर में गीता का ज्ञान दिया था और इसी के महत्व को देखते हुए हरियाणा सरकार की मंशा है कि स्कूल स्तर से ही बच्चों को गीता का ज्ञान पढ़ाया जाए। लोगों को नौकरी दिलवाने के नाम पर उनसे ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला सहित गिरोह के 3 सदस्यों को फरीदाबाद के थाना साइबर अपराध की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अभिषेक, हिमांशु और आरोही नामक शामिल है। इस मामले में इनका एक अन्य साथी भी शामिल है जो इस गिरोह का मुखिया है और जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपियों को अदालत में पेश करके 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिसमें पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई राज उगले हैं। सरकारी नौकरी में हम रिज्यूम भरते हैं, वहाँ 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जाती है। प्राइवेट कंपनीज की अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन फीस है, वो ले लेती है, लेकिन उसके बाद नौकरी पक्की करने के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, GST टैक्स देने के नाम पर इस तरह की कोई फीस कभी नहीं लगती है। तो जब भी आपसे कोई नौकरी देने के नाम पर इस तरह पैसे मांगे तो समझ जाए वो फ्रॉडर, तुरंत पुलिस को शिकायत दें। किसी भी स्ट्रेंजर आदमी को किसी भी प्रकार से हमें अपना कोई डाटा नहीं प्रोवाइड करना। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किसानों के मुद्दे को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाते हुए अंबाला छावनी सदर चौक पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह व कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका और इस दौरान कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। ये बहुत घोर निंदनीय है, इससे पूरे देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं ये लोग। और ये साफ हो गया है कि किसानों के कागजी आंदोलन के पीछे ये सब कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र है, जिसके तहत आज ये खुलासा सरेआम पब्लिक में हो गया है और उनके मुंह से ये शब्द निकलना उनकी बात को दोहराता है कि ये सब कांग्रेस का षड्यंत्र है, आम किसान इसके बीच में नहीं है। मनरेगा के नाम पर कैथल जिले के कलायत में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, जिसे लेकर अब आए दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। मनरेगा में हुए फर्जीवाड़े को लेकर कलायत विधानसभा के गांव चौशाला में मनरेगा मजदूर SDM कार्यालय पहुंचे और नायब तहसीलदार हरदेव सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल कलायत में मनरेगा में फर्जी तौर पर काम की डिमांड के लिए मजदूरों के नाम को इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं। मस्ट रोल है, रद्द किया जाए और जो मेट ऐसा कर रहा है उसके ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही हो, ये मसला। तो आपको कोई संदेह है कि जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी इसके अंदर कोई मिलीभगत है, कैसे संभव उपाय इतना बड़ा? देखिए अब तो कह नहीं सकते फिलहाल, क्योंकि नए ऑपरेटर आया है। मान लीजिए कोई फर्जी डिमांड तैयार करके दे दे, उसके अंदर कोई ऐसा विकल्प नहीं बचता कि इसके ऊपर किसके साइन है किसके नहीं। वो तो जब मजदूर सामने आएंगे निकल के कि हमारे फर्जी साइन हुए हैं तभी पता चलेगा। तो मजदूर क्या चाहते हैं? मजदूर तो कार्रवाई चाहते हैं, जैसे अब तो इनके फर्जी नाम सिर्फ काम के लिए आए हैं, मस्ट्रोल में आए हैं, कल को वो कैटल सेट भी निकलवाएगा इनके नाम से। जैसे पिछला मामला आपने देखा ही है बाड़ू का, उनको पता भी नहीं था और उनके पैसे भी खा गए। यमुनानगर के छछरौली अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक पिछले सीजन की गेहूं का उठान नहीं हो पाया है। हालांकि छछरौली मंडी में गेहूं का उठान का कार्य चल रहा है, लेकिन धीमी गति से चल रहे उठान के कार्य की वजह से आने वाले धान के सीजन में किसानों और आढ़तियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसानों और आढ़तियों ने सरकार और विभाग से मांग की है कि छछरौली अनाज मंडी से पिछले सीजन की पड़ी गेहूं को उठाने का कार्य जल्द से जल्द किया जाए, ताकि आने वाले धान के सीजन में किसानों और आढ़तियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन से पंजाब के अमृतसर वापस जाते हुए वक्त सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई। ट्रॉली में बैठा किसान बैलेंस बिगड़ने की वजह से सड़क पर गिर गया और पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कुलवंत सिंह को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अमृतसर जिले के गांव मैसनपुर के रहने वाले 56 वर्षीय कुलवंत सिंह के रूप में हुई है। इस हादसे में दो अन्य किसान भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। फिलहाल मृतक किसान का पोस्टमार्टम कल्पना चावला मेडिकल के शवगृह में करवा दिया गया है। घोरंडा जो फ्लाईओवर पे चढ़ते समय एक किसान आंदोलन से आई हुई ट्रैक्टर ट्रॉली में से एक एक्सीडेंट में एक बंदे की मृत्यु हो गई है, तो हम वहाँ पे पहुँचे तो पता लगा एक कुलवंत नाम का व्यक्ति था जो डाला होता है जो ट्रॉली का उसके पीछे बैठा हुआ था। अचानक से उसका ट्रॉली का संतुलन बिगड़ा, जिससे वो पीछे गिर गया और अज्ञात व्हीकल की चपेट में आकर उसकी डेथ हो गई। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने एक बार फिर से अपने उपभोक्ता को जोर का झटका दिया है। इस बार बिजली निगम की ओर से एक उपभोक्ता के पास 86 लाख रुपए का बिल आया है, जबकि पीड़ित उपभोक्ता मात्र 50 गज के मकान में ही रहता है। पिछले कई महीनों से पीड़ित अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसका कहना है कि अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। वहीं बिजली निगम के एसडीओ नागेंद्र सिंह का कहना है कि उपभोक्ता को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस बिल को सही कर दिया जाएगा। अभी आपके अकॉर्डिंग मैंने ये बिल को देखा है और इसके बारे में जब मैंने फाइंड आउट किया तो निष्कर्ष से निकल के आया ये बिल जो है 9 जनवरी 2021 को फ्रीज हो गया था, क्योंकि जो रीडिंग है वो ली गई है, ये 2 महीने का बिल जनरेट हुआ है, दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 का। तो इसमें जो बिल है वो रीडिंग के अकॉर्डिंग है, बट एक सन्ड्री चार्जेज है जो 70 लाख का, वो CBO की तरफ से इन्होंने चार्ज किया है। जो हमारा कमर्शियल बैक ऑफिस होता है हिसार में, उन्होंने 70 लाख समथिंग रुपीज़ है वो सन्ड्री चार्ज इन्होंने इसमें लगा दिया, जिससे जो बिल है 78 लाख के अराउंड बन गया है टोटल, सर चार्ज वगैरह इंक्लूड होके। तो इसमें कंज्यूमर को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बिल को करेक्ट कर दिया जाएगा। कल CA साहब आएंगे, उनके साथ मैं डिस्कस करके इसको कल ही यहाँ से कार्रवाई चालू कर देंगे और 10 या 15 दिन के अंदर इस बिल को पूरा रेक्टिफाई करके जो सही बिल है वो दे दिया जाएगा कंज्यूमर को। सर ये हमारा 6 महीने से ऊपर हो गया है जो बिल आते आते, उसमें ये हमारा करीब 85-86 लाख रुपए का बिल आ रहा है। हम कंप्लेंट कर करके थक गए, हमने JE साहब से भी एप्लीकेशन लिखवा के साइन करवा के SDO साहब से मिले, हम बिजली दफ्तर के चक्कर काट काट के थक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कई दिन से लापता हुए सौरभ नामक युवक का शव करनाल के गांव गोगड़ीपुर के पास से नहर से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। सौरभ का बैग कुछ दिन पहले नहर के किनारे मिला था और वहां से खून के निशान व अन्य सामान भी बरामद किया गया था। सौरभ के परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई थी और पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। ये सौरभ था हमारे एरिया का बच्चा जो पिछले 3 दिन से गायब था। कल इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है नहर से, आज इसका बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवार वालों को हमने कहा है कि अपनी स्टेटमेंट लिखवाइए, वो पोस्टमार्टम के बाद अपनी स्टेटमेंट लिखवाएंगे। तो अभी तक कोई नाम वगैरह नहीं पता है उन्होंने, जो भी है उसमें इन्वेस्टिगेशन हमारी जा रही है, वो कर रहे हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।